और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। चुनाव में सक्रियता तय करेगी नेताओं का प्रमोशन और डिमोशन। जी हां, ये बड़ी खबर आ रही है। नतीजों से पहले दिल्ली पहुंचेगी बीजेपी नेताओं की गुप्त रिपोर्ट। जी हां, एक ऐसी रिपोर्ट जो गुप्त है फिलहाल, और ये नतीजों से पहले दिल्ली पहुंच जाएगी। निजी एजेंसियों से संगठन ने गुप्त रिपोर्ट तैयार कराई है। दूसरे प्रदेशों से आए नेताओं से भी फीडबैक ले रहा है संगठन। रिपोर्ट में ईमानदार और दगाबाज नेताओं की पूरी कुंडली इनके पास पहुंच चुकी है। सभी 29 लोकसभा सीटों की एक अलग रिपोर्ट तैयार हो रही है। तीन चरणों की रिपोर्ट तो तैयार हो चुकी है, लेकिन चौथा चरण जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है उस पर काम चल रहा है, यानी कि उसकी भी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। तो चार चरणों में नेताओं ने कैसे काम किया है संगठन के अंदर, गुपचुप तरीके से फीडबैक भी लिया जा रहा है। जो बाहर से नेता आ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, उनसे भी फीडबैक लिया जा रहा है। यहां किस तरह की सक्रियता उन्होंने इन चारों चरणों में दिखाई है, और इस पर चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, एक चार चरणों के चुनाव तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही कि गुप्त रिपोर्ट तैयार हो रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है इस रिपोर्ट के बारे में, और क्या इस रिपोर्ट के बाद कोई सख्त एक्शन लेगी जो है बीजेपी और बीजेपी का संगठन? देखिए, सख्त एक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि एकदम सख्ती बरती जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही ऐसे चलता है कि वहाँ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाती है, और जहाँ जिसका परफॉर्मेंस होता है उसके आधार पर उसको मौका भी मिलता है। अब जब मध्य प्रदेश में चारों चरणों के मतदान हो गए हैं, लोकसभा की 29 सीटों के लिए मतदान हो गए हैं, तो अब बारी यही है। आपको याद होगा जब अमित शाह पहुंचे थे छिंदवाड़ा, वहां भी उन्होंने कहा था कि हम चुनाव के बाद विश्लेषण करेंगे। याद रखिएगा आप, मतलब कौन काम कर रहा है उसका विश्लेषण होगा। फिर यहां जब भोपाल आए तब भी उन्होंने यही कहा। तो तीन इसके लिए अलग अलग मापदंड तय किए गए। एक तो निजी एजेंसी जो आजकल सर्वे करती है, काम करती है कि कहाँ कौन सा नेता कितना काम किया, किस विधानसभा क्षेत्र में जीत हार का अंतर क्या रहा, क्या वहाँ का जो नेता, जो सांसद था, जो मंत्री था पूर्व में जिनको टिकट नहीं मिले वो, या वहाँ के वर्तमान जो मंत्री मध्य प्रदेश की कैबिनेट में है वो कैसा काम कर पाए, वो सक्रिय है या नहीं। तो ऐसी तमाम तरह की रिपोर्टें तैयार की गई है, जिसमें एक रिपोर्ट तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसकी रिपोर्ट भी जाएगी। दूसरी रिपोर्ट ये कैसी रिपोर्ट भी होगी, जिसमें जो बाहर से नेता आए हुए थे वो भी अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि कहाँ कितना सहयोग मिला, किस तरह से काम किया गया, और जिनका काम परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा उसको। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो निजी एजेंसियां, जो प्राइवेट एजेंसियां करती रहती है, भारतीय जनता पार्टी में कोई नया नहीं है चुनाव के बाद, लेकिन निश्चित रूप से इन रिपोर्ट पर काम होता है। तो मध्य प्रदेश में उसके आधार पर ही फिर मंत्रिमंडल का विस्तार भी देखने को मिलेगा, कुछ लोगों की छुट्टी होगी, कुछ नए लोगों को मौका मिलेगा। और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि 29 की 29 लोकसभा जैसा उसका दावा है वो तो जीतेंगे, लेकिन जीत हार का अंतर कैसा रहता है, क्योंकि 68% वोट शेयर की जो बात कही गई है, क्या वो वोट शेयर उन क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है? कुछ ऐसे सांसद हैं जिनके टिकट कट गए हैं, उन्होंने काम किया या नहीं, नई टिकट मिला तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना ले, तो ऐसे तमाम तरह के मापदंड तय किए गए। उसके आधार पर सर्वे भी किया गया, उसके आधार पर रिपोर्ट भी तैयार की जा रही। लेकिन ये मानकर चलिए ललित कि 4 जून के बाद कुछ लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी, कुछ को बड़ा मौका मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए।